हाँ जी, तो फाइनली कहता ना ट्रेकिंग के लिए तो भैया निकल चुके, बट भाई साहब क्या ही मस्त वाला नजारा दिख गया है, बड़ा गजब का। वाह, और मैं जिस गया ना ये घोड़े और खच्चर ना ये नहीं पीछे जो चल रहे भाई साहब, रास्ता देखो यहाँ से होते हुए ये जिगजैग जिगजैग करते हुए भाई साहब वहां तक जा भाई साहब। हेलो 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 जी, वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना दोस्त निशांत और अभी हूं मैं केदारनाथ में। इतना फास्ट फास्ट क्यों बोल रहा हूँ भैया, क्योंकि अब मुझसे जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है, टाइम जो हो रहा है वो भी रात के 3:30 बज रही है और अपन एकदम से रेडी हो चुके हैं सीधा यहाँ से केदारनाथ ट्रेकिंग के लिए। ठंड के मारे बता रही वैसा क्या बोले जा रहा हूँ, टेम्परेचर जो है वो बड़े भयानक हो रखा है भाई साहब, मतलब सहन नहीं हो रहा है टेम्परेचर मेरे से, ठंड लग रही है और पता नहीं आगे जाके क्या होगा, जबरदस्त वाली ना आगे स्नोफॉल हो रखी है, बर्फ गिर रखा है। बाकी देखते हैं, अभी एकदम से रेडी हो चुके हैं भाई साहब, आगे भाई साहब जाम यहाँ तक लग चुका, पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे जाएंगे, आई डोंट नो। बाकी एकदम से रेडी हो चुके हैं, अब निकलते हैं अपन सीधा यहाँ से आगे की तरफ, अपनी आज की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, आज की वीडियो में आपको सीधा केदारनाथ ले जाने वाला हूँ। बाकी यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग 1-2 डिग्री के आसपास हो रखा है और केदारनाथ में जो है -6-7 तक जा रखा है, तो पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो। अभी चलते हैं यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि वैसे जाम जो है वो तगड़ा वाला लग चुका है, बाहर लंबी वाली लाइन लग चुकी है। चलो निकलते हैं यहाँ से। आगे चांद देखो कितना प्यारा लग रहा है चंदा मामा, यहाँ से छुप रहे और इस तरफ जो है आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो ऐसा, ये बीच में जो आपको थोड़ा थोड़ा सा वाइट वाइट पोर्शन जो दिख रहा होगा ना, ये वाला, ये ना स्नो का पूरा माउंटेन है, पूरा पहाड़ है और यहाँ पे मेरा हाथ जो है वैसा जम चुके हैं। अब चलो निकलते हैं अब यहाँ से वैसा, इतना पब्लिक ही सोनप्रयाग में, अपन पार्किंग में बाइक वाइक लगा के तो आ गए हैं, बट वैसा भीड़ देखो, नंबर लगे हुए लाइन है वैसा, ये पीछे 1-2 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है, पता नहीं आगे क्या होगा, बट जो भी होगा अच्छा होगा, देखा जाएगा। वैसे अब एक बार तो यहाँ आके अपन इस भीड़ के साथ में अपन ने चाय निपटाते हैं। कौन कहता है कि बढ़िया चाय मिलती है पहाड़ों में, मेरे को 1% चाय पसंद नहीं आई है। बाकी भीड़ वैसा भी ये तो सिर्फ आपको यहाँ हल्की फुल्की सी दिख रही है, भीड़ जो है वो कम से कम यहाँ से ना 2.5-3 किलोमीटर की लगी हुई है वैसा, 2.5-3 किलोमीटर, और हालत जो है वो इतना ख़राब हो चुके हैं बता नहीं सकता आपको। भाई यस, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, भीड़ में लग के, भीड़ में लग के बहुत मजा आ रहा है, लाइन में लग के मजा आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी लाइन में लगे हो भैया? फर्स्ट वाली लाइन में लगे। पूरी लाइन की मशक्कत से अपन अंदर तो आ चुके हैं, अब बस यहाँ से सीधा गोरीकुंड के लिए आगे की तरफ निकलते हैं और यहाँ पे वैसा जो है लाइन तगड़ी वाली लगी हुई है। हाँ जी, तो फाइनली वैसा हो चुके अपन एंटर। ओके साथ ले जाए। ओके केदारनाथ धाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो भैया पूरी ये जो लाइन है इस लाइन को क्रॉस करते करते अपन चल चुके हैं आगे की तरफ। केदारनाथ ट्रैकिंग स्टार्ट करने के लिए आपको सोनप्रयाग से गोरीकुंड तक टैक्सी मिलती है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ही लगाई हुई होती है, जिसका कि चार्जेस 50 रुपए आपको देके जाना होता है। आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं, बट टैक्सी में जाना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी इन्हीं 5 किलोमीटर में वेस्ट हो जाएगी, जबकि आगे आपको 22 किलोमीटर इसके अलावा और चलना है। ऊपर जो है वो धूप निकली, कितना मस्त लग रहा है यार। हाँ जी, तो फाइनली आ चुके अपन केदारनाथ ट्रैक के यहाँ, और यहाँ से अब केदारनाथ सिर्फ 16 किलोमीटर नहीं, शायद 22 किलोमीटर है। हाँ भाई साहब क्या है जबरदस्त वाला, तो थक चुका है ना, अरे भगवान। बाकी ये व्यू देखो यार कितना प्यारा है, वहाँ पे जो थोड़ा सा सनलाइट आ रही है। हाँ जी, तो फाइनली केदारनाथ ट्रैकिंग के लिए तो भैया निकल चुके, बट हालत खराब हो चुकी है, अभी तक सिर्फ 2-3 किलोमीटर चढ़े होंगे, भाई साहब गजब का सांस फूल रही है। और मैं जिस गया ना ये घोड़े और खच्चर ना ये नहीं पीछे जो चल रहे हो घोड़े और खच्चर की वजह से रोड पे बिल्कुल कीचड़ और गंदगी कर रखी है इन्होंने,
तो इंस्टाग्राम चलना भाई साहब मुश्किल है, तो हेलीकॉप्टर से जाओ बेस्ट है। रोड वोड नहीं देखनी, वीडियो में देख लेना मेरी। ये चीज सबसे बेकार, एक तो इन्होंने रोड खराब कर रखी है। भाई साहब अभी जो है थक थकवा के आधे पौन घंटे 5-10 मिनट से यहीं पे बैठे हैं, वैसा आगे जाने की हम हिम्मत नहीं हो रही, थक गए जबरदस्त वाले। क्या हाल चाल? बहुत बुरे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ओके भाई साहब, क्या ही मस्त वाला नजारा दिख गया है, बड़ा गजब का। वाह, आज जो गलती कर दी ट्रैक देखने के चक्कर में, बढ़िया अगली बार नहीं करने वाले। अगली बार से भैया अपन हेलीकॉप्टर से जाएंगे, कभी भी आए तो। लोगों का भूत चढ़ चुका है। हाँ जी, तो एक छोटा सा मैगी और चाय ब्रेक अपना कंप्लीट हो चुका है। वैसे अब थक के बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि रास्ता जो है बिल्कुल मैं वीडियो देख के रास्ते की वीडियो बनाने के चक्कर में आ गया। वैसे अब हेलीकॉप्टर छोड़ दिया मैंने, बट अब पता चला कि हेलीकॉप्टर से ही जाना था, ऐसे नहीं आना था। बाकी एनीवे ठीक है, जो भी है अभी जा रहे हैं तो एंजॉय करना ही है, अब कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। और एक भाई साहब ने ना अपने 2-4-5-6 ड्रेसें भरी है भाई साहब, इस बैग को इतना फुलाया है ना हद से ज़्यादा, पता नहीं इसको क्या भूत चढ़ रहा है। उधर कपड़े लेके दो दो तीन तीन जैकेट लेके आया भैया, ये सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। देखो तो भाई साहब, चलते चलते ना हर जगह पे इतने खूबसूरत से नज़ारे दिख जाते हैं ना, कसम से एक नंबर के। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, ये ऊपर से अगर आपको दिख रहा हो तो लाइट सा, ये देखो झरना आ रहा है। वाह, और बाकी उस तरफ जो है पहाड़ के ऊपर स्नो जमी हुई है, और इस तरफ पीछे पूरा पहाड़ स्नो का। एक और वाटरफॉल देखना हो तो ये देखो भैया, एक वैसा भी खच्चर वाला है, शांति से चलने तक नहीं देते रोड पे, ये चीज़ तो मैंने देख ली। भाई साहब रास्ता देखो, यहाँ से होते हुए ये जिगजैग करते हुए भाई साहब वहाँ तक जा रहा है। ऐसा हालत ख़राब होने जैसी हो गई है, तबीयत का और चढ़ाई कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक है। और ये नीचे जो है नदी देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब कहाँ से आ रहे हैं, रास्ता देखो यार, वहाँ से होते हुए ऊपर जो है जबरदस्त वाली बारिश और स्नोफॉल चालू होने वाला है। तो वैसे चलते चलते अपन पहुंच चुके हैं केदारनाथ बेस कैंप के पास में, अभी तो बहुत दूर है वैसे तो, इतने को पास में नहीं है। ये देखो भैया ग्लेशियर, और बाकी वहाँ पे जो है आपको दिख रहा, कहाँ दिख रहा होगा, पूरा ढह गया। वहाँ पे जो है पुराना वाला रास्ता है जिससे कि पहले यहाँ पे आते थे, जो कि अब ढह चुका है। ये देखो ऐसा, मैं पूरी केदारनाथ सीरीज में चाय 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 के छाल लग रहा हूँ, और यहाँ पे आके मैंने कॉफ़ी टेस्ट करी। वैसे चाय से लाख गुना बेटर यहाँ पे ना कॉफ़ी है। हाँ ये कॉफ़ी है, आप समझ रहे चाय होंगे बट नहीं, ये कॉफ़ी है। हाँ जी, तो फाइनली अपन आ चुके हैं केदारनाथ बेस कैंप के यहाँ, और यहाँ पे जाके भैया चेक इन करते हैं, क्योंकि अभी जो वैसे टाइम जो हो गया वो 5:30 बज चुकी है वैसे, और जबरदस्त वाली इतना थकान हो चुकी है। तो अभी चलते सीधा कैंप में, यहाँ से व्यू बड़ा प्यारा दिख रहा था तो मैंने सोचा आपको भी एक बार दिखा देते। अब चारों तरफ पूरे पहाड़ों पे स्नो ही स्नो हो रखी है।
सब चोटी देखो, ऊपर जो सनलाइट आ रही है कितना प्यारा लग रहा है। वाह जी, तो फाइनली आ चुके। ये हेलीकॉप्टर हर दो मिनट बम 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 बम। बाकी यहीं से देखो आपको अगर दिख रहा हो थोड़ा दूर, ये देखो मंदिर दिख रहा होगा आपको, तो चलो एक बार तो चेक इन करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हाँ जी, तो केदारनाथ में एंटर होके अपन शांति से आगे वैसे सो गए, क्योंकि यहाँ पे होटल वोटल मिल नहीं रही थी, तो अपन एक छोटा मोटा सा कैंप बुक कर लिया। रात को यहीं सोने वाले हैं अपन। बाहर वैसे क्या ही गजब का वेदर हो रखा है ना, ये देखो वेदर देखो। वहाँ ऊपर जो है वो भैरव जी का मंदिर है। ऐसा एक ना मस्त मजेदार सी चीज दिखाता हूँ आपको मैं, जिसको देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। ये वाइट 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 आपको सारा दिख रहा है, ये टेंट के ऊपर ना स्नो है, ये देखो भाई साहब क्या है, जबरदस्त वाला सीन है ना। ठंड इतनी भयानक, बाहर का टेम्परेचर -8-10 के आसपास हो रखा है, ये देखो गजब। साहब रूम से बाहर का व्यू देखो। हाँ, रूम से नहीं सॉरी, टेंट से बाहर का व्यू देखो भाई साहब, क्या ही मस्त जन्नत भाई साहब, एक नंबर चुम्मा वाला व्यू है यार। आय हाय हाय,